अगर आप चूहों की समस्या से परेशान हैं, यानी मूस से परेशान हैं, घरों में आपके घुस गए हैं और सारे अनाजों को काट देते हैं, डिब्बों को काट देते हैं, खाद्य सामग्रियों को खा जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं, और खेतों में जब फसलें तैयार होने लगती हैं तो उसमें बिल बना लेते हैं, मिट्टी से फसलों को ढक देते हैं, पूरी फसलों को काट देते हैं और उनकी बालियों को, उनके दाने को बिल के अंदर कर लेते हैं, अत्यधिक नुकसान करते हैं, और खलिहानों में भी लग जाते हैं, पूरे खलिहान को मिट्टी से ढक देते हैं जो कि मिट्टी गल्ले में आती है, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसान भाई इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सभी लोग घरों में भी परेशान हैं, जैसा कि पूरे देश में चूहों की आतंक से लोग परेशान हैं। तो घबराने की बात नहीं है, एक ऐसी विधि के बारे में बताएंगे जिसके मात्र एक खुराक प्रयोग से चूहा और मूस जीवन प्रयत्न के लिए घर खलिहान और खेत छोड़ के भाग जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, दोबारा कभी नहीं वापस आएंगे। नमस्कार साथियों, YouTube चैनल तार्किक ज्ञान में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिसको बिना किसी केमिकल के या दवाओं के प्रयोग के जैविक तरीके से और तार्किक तरीके से चूहों को जीवन प्रयत्न के लिए भगा सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या लेना है, सबसे पहले आपको गेहूं का थोड़ा सा कटोरी में आटा लेना है, और आटा लेने के बाद दूसरा आपको गुड़ लेना है, उसको मीज के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, महीन कर लेना है, और इसको आटे में भरपूर मिला देना है, और मिलाने के बाद आपको नाई के दुकान पर जाना है, वहाँ के सिर के कटे छोटे छोटे फ्री में बाल को लाना है, और इस बाल को भी खूब भरपूर मात्रा में उसी आटे या गुड़ के जो मिक्सचर है उसी मिक्सचर में डाल के खूब मिलाना है। अब मिलाने के बाद ऐसा मिलाइए कि भरपूर पूरे गुड़ और आटे में यह बाल चिपक जाए, और इसके बाद तीसरी विधि, जब संपूर्ण रूप से तीनों चीज़ें मिल जाएं तो मिलने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है, और पानी डालने के बाद उसको काफ़ी देर के लिए छोड़ देना है, और पुनः छोटी छोटी उसकी गोली बना लेना है, और गोली बनाने के बाद उसको सुखा लेना है, और सुखाने के बाद जहाँ चूहों की समस्या हो वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। चूहे जैसे ही खाएंगे उसके पेट में तो बढ़िया रसगुल्ले की तरह खाते समय स्वाद मिलेगा, लेकिन पेट में जाने के बाद इतना खुजली पैदा करेगा, इतना नफरत पैदा करेगा कि मूस भागते भागते घर खलिहान खेत छोड़ देंगे, और बाहर जाने के बाद इस हैजा कलरा जैसी खुजली से उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो दोबारा कभी नहीं वापस आएंगे। और दूसरी विधि, अगर यह विधि आप अपना सकते हैं, इसके अलावा दूसरी और सरल विधि, आपको थोड़ा सा कटोरी में बेसन लेना है, और बेसन में आपको एक चम्मच आपको देसी घी डालना है, और देसी घी डालने के बाद दोनों को मिला देना है, और मिलाने के बाद खाने वाली तंबाकू जो होती है, जो गुटखे में खाई जाती है, उसके एक पाउच को फाड़ कर उसी में डाल देना है, या देसी तंबाकू जो लोग चूने लगा कर उसको रगड़ रगड़ के खाते हैं, उस तंबाकू को भी आप इसी में डाल दीजिए, और डालने के बाद खूब मिलाइए, मिलाने के बाद छोटी छोटी गोली बना लीजिए, और गोली बनाने के बाद आपको जहाँ चूहे की समस्या है वहाँ रख दीजिए, चूहे 100% इसकी महक गोली को खाएंगे, और घर छोड़ के बदबू निकोटीन की अत्यधिक नशा और बदबू से घर खलिहान खेत छोड़ के भाग जाएंगे, और बाहर जाने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। और तीसरी विधि, इस विधि में आप कटोरी में बेसन लीजिए, और बेसन में चीनी का पीसा हुआ चूरा थोड़ा सा मिलाइए, डालने के बाद मिला लीजिए, और मिलाने के बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च बहुत तेज़ होती है लेकिन तत्काल तीखा नहीं लगती खाने में, खाने के बाद पेट में जलन पैदा करती है, तो काली मिर्च का थोड़ा सा आधा चम्मच पाउडर इसमें डालिए, खूब मिलाइए, मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालिए, और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, और फिर पुनः छोटी छोटी गोली बना लीजिए, और इस गोली को जहाँ पर घर खेत खलिहान चूहों का आतंक हो वहाँ पर रख दीजिए। खाने में तो बिल्कुल रसगुल्ले की तरह लगेगी, लेकिन कुछ देर के बाद पेट में इतना तीव्र, इतना असहनीय जलन होगा, बम की तरह फूटेगा पेट, घर खलिहान खेत से बाहर भागेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। चौथी विधि,
आप थोड़ा सा आटा लीजिए और आटे में 1 चम्मच चीनी का चूरा डालिए और चूरा डालने के बाद आप लहसुन प्याज और अदरक का रस निकालिए और उसी रस को इसी मिक्सर में डाल दीजिए जो मिश्रण आप आटा और चीनी का तैयार किए हैं, और डालने के बाद ध्यान रहे पानी नहीं डालना है, उसी के रस से इसको मिला के छोटी छोटी गोली बना दीजिए और गोली बनाने के बाद जहाँ चूहों का आतंक हो वहाँ रख दीजिए। खाने में तो बहुत ही मधुर लगेगा लेकिन खाने के बाद पेट में इतना ज़्यादा जलन होगा कि चूहे घबराहट से घर खलिहान खेत छोड़ के भाग जाएंगे और बाहर जाने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी, दोबारा वापस नहीं आएंगे। अब इसके अलावा इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगली विधि का। इसमें आपको मेडिकल की दुकान से थोड़ा सा आपको फिनाइल की सफ़ेद गोली लाना है और 1-2 गोली को घर में रखना है और रखने के बाद इस गोली को फोड़ के चूर बना लेना है और बनाने के बाद आटा में इसको मिलाकर और मिलाने के बाद आपको मेडिकल से ही पुदीन हरा की 1 छोटी सी गोली लाना है और उस गोली को भी इसी आटे और फिनाइल की गोली पुदीन हरा की गोली को फोड़ कर इसका रस डाल लेना है और डालने के बाद इसको हल्का सा पानी डाल के मिला लेना है। अब मिलाने के बाद छोटी छोटी गोली बनाकर जहां मूसों का आतंक हो वहां रख देना है, इससे मूस इसके महक से भी भाग जाएंगे और इसको अगर खाएंगे तब भी यहाँ से जीवन पर्यटन के लिए भाग जाएंगे, दोबारा कभी नहीं वापस आएंगे। और अगली विधि, अगर चूहे के घरों में बहुत हल्का फुल्का प्रकोप है, 1-2 चूहे घर में आतंक मचा रहे हैं, तो आप घर में बिल्ली पाल लीजिए। अगर घर में बिल्ली रहेगी तो चूहे कभी नहीं आएंगे और चूहे भाग जाएंगे। अगर बिल्ली के संपर्क में आएंगे तो उसका शिकार तुरंत बिल्ली कर लेगी और चूहे से निजात मिल जाएगा। और इसके अलावा अगली विधि जानिए, इस विधि से भी चूहे को आप पकड़कर साक्षात बाहर फेंक सकते हैं। जैसा कि हल्का फुल्का चूहे का प्रकोप घरों में हो तो आप, लेकिन यह घरों में ही काम करेगा, खेत खलिहानों में उपयोग में नहीं आएगा। आप हार्डवेयर की दुकान पर जाइए, वहाँ पे लोहे और स्टील की बनी चूहेदानी को लाइए और चूहेदानी में थोड़ा सा जहाँ पर पॉइंट बना हो जाली को खोलिए और उसमें थोड़ा सा गीला आटा को लगा दीजिए, सेब के टुकड़े को लगा दीजिए या बिस्किट को लगा दीजिए। जैसे ही उसमें चूहा घुसेगा और उस पॉइंट को खाने की कोशिश करेगा, उसमें जैसा भी हल्का सा वाइब्रेट होगा तुरंत उसका फाटक बंद हो जाएगा और चूहा जेल की तरह उस चूहादानी में, मूस ट्रैप दानी में बंद हो जाएगा और उसको आप पुनः ले जाकर काफ़ी दूर फेंक सकते हैं जंगल झाड़ियों में और आपको इससे निजात मिल जाएगा। तो साथियों, इस समस्त विधि के द्वारा चूहे मूस से घरों में खेत में खलिहानों में जो आतंक है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, दोबारा आपकी ऐसी समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।